वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार अली नफीर। आप लोग देख रहे हैं खूंसा ब्लॉग्स और खूंसा वाइंस। और नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को मेरे असल में जैसे बहुत ज़्यादा जोर से हटी भी है। मैंने कभी आप लोगों को पहले तो थोड़ा सा आप लोगों का मूड सही करने के लिए, क्योंकि आप लोग पता नहीं कहीं टेंशन में होंगे, कुछ परेशान होंगे अपने घरेलू मसाइल, कोई बीवी से लड़के बैठा होगा, कोई अम्मा की डांट खा के बैठा होगा, अम्मा के जूते खा के बैठा होगा, कोई छोटे भाई की जिदें जो है वो पूरी कर करके थक गया होगा। मतलब मुख्तलिफ किस्म के बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं हो रही, महंगाई के सताए हुए, पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे नीचे ऊपर 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 हुए चले जा रहे हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल। मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करूँ, क्योंकि सचिन की सीमा की गुलाम हैदर की जो वीडियो आ रही है ना, वो आ रही है जो दो न्यूज दे रहे हैं, ठीक है, उस पर तजिया भी मैं देते रहता हूँ, वो भी दूंगा मैं इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए मैं तो एक रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो एक एंटरटेनर हूँ ना, मैं तो क्या कहते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा तफसील से एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, क्या क्या हुआ है, क्यों क्यों हुआ है वो बताता हूँ। और उसके अलावा आज मैंने कहा चलो यार मैं अपने पुराने स्टाइल में आ जाता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ थोड़ा सा कुछ चमका के, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको एक गाना दिखाता हूँ, क्योंकि आप सीमा का मुजरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। तो ये डांस कर रही है, तो डांस इसका देखिए और उस पर गाना अपनी इमेजिनेशन में म्यूट करके मैं वीडियो लगा रहा हूँ और गाना मैं इस पर गाता हूँ, ठीक है ना। जो सड़ी सड़ी आंदी हवा, सचिन मूली खांदा होवेगा। जो सड़ी सड़ी आंदी हवा, सचिन मूली खांदा होवेगा। और पता क्या, ये गाना मैंने असल में ये डांस स्टेप जो है ना, मतलब ये आइटम फॉर्म रखा है इसीलिए कि ताकि आपको पता चले कि सचिन इसके लिए, इसमें वो जो इनके क्या कहते हैं हिंदू कम्युनिटी के हमारे भाई बहन जो वो एक उनके का फास्टिंग होती है जो करवा करके कुछ होता है, तो वो रखा है इन्होंने इसके लिए। अब इसके लिए कोई वो अपने पुदीना ना रखे, तुमने इसके लिए वो रख लिया भाई, ये क्या बंदर। एक और वीडियो थी, वो छत पे जा रही थी अपने बाऊ जी का जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए, तो वहाँ पर कहती कि बंदर को हटाना, मैं रोटी बना रही हूँ, ये पता नहीं कपड़े टांग रही हूँ, तो बंदर को हटाना। वो असल में हम लोग समझ रहे थे पीछे वो बंदर भागे, वो बंदर नहीं था, वो सचिन जो है वो अपनी असल हालत में आ गया था, दीवारों के ऊपर भाग रहे, कभी उधर से जमीन से चीजें चुन चुन के खा रही, वो बंदर है। इसने बंदर पसंद किया है, एक अच्छा खासा हैंडसम आदमी जो है वो छोड़ के और ये बंदर के पीछे हिंदुस्तान गई। अब बंदर चिड़ियाघर के अंदर रहते थे कराची के अंदर, तू तो वैसे घूमने फिरने की शौकीन, किधर भी जाके तेरे को मुंह मारने का था, तो जाके वहां पर जाके कोई बंदर पाल लेती नहीं। लेकिन बंदर जो है उसको इंपोर्टेंट चीजें रखने का शौक था, उसने कहा मैं इंपोर्टेंट बंदर लेकर आती हूँ और बल्कि इंपोर्टेंट बंदर के पास चली जाती हूँ। तो वहाँ ये बंदरिस्तान सॉरी मतलब उसके सचिन को घर को बोल रहा हूँ, हमारे भाई बहन बुराना मानते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के बारे में नहीं कह रहा, सचिन की जो फैमिली ना उसका नाम मैंने बंदरिस्तान रखा है, ठीक है। तो बंदरिस्तान में वो चली गई और वहाँ जाकर उसने बंदर जो है वो उनके साथ जो है जीना शुरू कर दिया और अपने चार जो सपूत वो लेके गई है गुलाम हैदर के चुरा के, तो उनको भी वो चाह रही है कि ये भी जो है ना वो एक अदद बंदर, तीन बंदरियाँ हैं और एक बंदर बंदे, क्योंकि गुलाम हैदर नहीं बनने देने वाला और इंशाल्लाह जो है वो रोशन अली अदीम भी बंदर नहीं बनने देगा, वो लेकर आ जाएगा। और ये भी आएगी बहुत जल्दी, अभी आप देखिए इसने आज जो ड्रेसिंग की हुई है, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है किसी ने जो है किसी गाय ने पान खा के जबान बाहर निकाली हुई, इतने लाल इसने लाल भुजक्कड़ कपड़े पहने हुए, इतना बड़ा सारा इसका मुँह है कि सचिन जब इसके साथ खड़ा होता है ना तो इसका मुंह यहाँ से शुरू होकर सचिन के घुटने तक तो उसका मुंह जाना होता है। अबे सचिन मतलब ऐसी चीज से जो है ना हम लोग कान साफ कर रहे होते, तुझे सचिन पसंद आए, इसके अंदर क्या है सचिन में, ये चीज होती है रखने वाली, अब इसको तो बंदा जो है जान देता है कि यार चिड़िया का बच्चा मर गया, इसको छोड़ दो बाहर बिल्ली खा जाएगी या चील ले जाएगी, तो उसको तो वो भी नहीं लेके जा रही, लेकिन मैं भूल गया हाँ ये चिड़िया का बच्चा नहीं है तो बंदर है, तो ठीक है बंदर। लेकिन बंदर भी वो बहुत ही घटिया नस्ल का बंदर है यार, ये क्या चीज़ है, वो बच्चों को उठा उठा के गोदों में बिठा रहे, चुमियाँ ले रहे बच्चों की, वो पापा बने हुए हैं बच्चों को, जाहिर जैसे तो उन्हें ट्रेन किया है, बहुत फंसा देते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से जूता खींच के मारूँ, वो भी बाथरूम वाली चप्पल होती है ना वो, और वो भी उसमें जो बाथरूम का सामान होता है उसमें लेप के इसको भेजूँ वहाँ पर जाके, इसके जैसे कैसे इसके मुँह में जाके फंसे और पीला पीला यहाँ से टपक भी रहा, उसके कितना मज़ा आएगा, ये ऐसी अजीब सी लगेगी, ये है ये चीज़ काबिल, अब इसको बस फेम चाहिए। आज मैं भाजी बना रही हूँ, आज मैं दाल बना रही हूँ, आज मैं गोश्त नहीं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, भाई कौन सी लैंग्वेज क्या चल क्या रहा है बंदर। चलो यार बहुत सारे लोग गए, सद्दान सभी भी बेगैर आदमी गया यहाँ से, लेकिन उसने वो हरकतें नहीं की जो ये कर रही है, इतना कोई नीचे होता है, इतना गिरा हुआ होता है। मुझे यहाँ पर हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं उनके जो कानून है मतलब लॉ है, इनकी जो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री वगैरह है, इनके जो नेता बेता है, उन लोगों से मुझे सिर्फ ये वो, वैसे तो बहुत सारी सी बात है लेकिन सीमा के केस में कि भाई ये कौन से तुम्हारी सगी है जिसको तुमने टिका के रखा हुआ है। अभी हमारी जो वो ICC के मैच में वो गई थी लड़की, वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए बाकायदा उसको जो वो सारा अप्रूवल मिला हुआ था, उसको तुमने वहाँ से रिपोर्ट कर दिया, एक ये कब वक्त हमारी जो तुमसे रिपोर्ट नहीं हो रही है, क्यों भाई ये भाभी पूरी वो भी कह रही है कि पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान का सलाह बन गया इसलिए ऐसी बात। और साले तेरे साले तुम आ इधर, तुझे बताते हैं तुम बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा हाँ
लोगों के सवाल जो मैंने अभी कल की वीडियो में परसों की वीडियो में सॉरी मैंने बताए थे कि भाई देखो लोग कह रहे हैं कि बल्कि कल की वीडियो कि वो नहीं है यार, वो उसके रोशन अली अजीम साहब केस नहीं लड़ रहे सही तरीके से और वो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो पैसे ले रहे हैं मतलब केस को बदनाम करने के लिए। भाई देखो उसका ना वो बिल्कुल परफेक्ट बंदा है और वहाँ से जो साक्षी की टीम खड़ी हुई ना, साक्षी बेसिकली स्टूडेंट है, वो लॉ की स्टूडेंट है, वो नहीं है, वकील नहीं है, उसके जो सीनियर है नाम मैं भूल जाता हूँ, आप लोग नाम याद दिलाएगा ठीक है। और हाँ वीडियो को कमेंट भी कर दीजिएगा नीचे ना, पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही, लाइक जरूर ठोके करो इतने कंजूस अल्लाह माफ करे। पर तो उनकी जो लॉयर की टीम है साक्षी की तो वो भी बहुत बेहतरीन टीम है यार, मैं तो कहता हूँ जबरदस्त वकील हैं इनके। लेकिन मसला सारा क्या है, हमारे यहाँ से जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मैंने कहा नहीं क्या सर, वो हमारी भाई की जो मतलब हमारे क्लाइंट है उसके बच्चों को लेके वो चुड़ा छिपकली भाग गई है, तो आप जरा हमें वीजा दिलवा दें वही करके देखते हैं। अरे भाई सर मैंने आपसे कुछ कहा, तुम कौन हो? मैं वकील हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा। अच्छा अरे सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कौन है, जाओ लेके जाओ यार, ये हालत चल रही है। मतलब हमारे जो ये है ना इदारे वो खामोश बैठे, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है। हम कह रहे हैं फलस्तीन के लिए आवाज उठाइए, फलस्तीन के लिए आवाज उठाइए। अबे भाड़ में क्या फलस्तीन के, तुम्हारा भारत इनार के तुझे तरह से हो रहा है, तुम लोग के कान पे जो नहीं रह रही, फलस्तीन अव्वल आखिर आजाद होगा, लेकिन ये जो भारत इनार के अंदर हमारा अपना बिल्डिंग जो फलस्तीन है इसके लिए किसी को आवाज उठाते हो, मौत क्यों आती है, क्यों वहाँ शिया मर रहे हैं इसलिए? अभी मैं कहता हूँ कोई शिया सुन्नी का फसाद नहीं है, ये कोई अलग ही किस्म का गेम हो रहा है जो शिया सुन्नी को लड़ा के एक तनाजा बना के रखा हो। देखो तो सही वो कौन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, कोई भी आ जाए कोई भी भूतने वाला आ जाए कोई उस पर वो करता ही नहीं है। अब से थोड़ी हो रहा है, कब से हो रहा है, लेकिन इस मरतबा कुछ ज्यादा ही हो गया, किसी को एहसास ही नहीं है भाई। नहीं नहीं भाई हम तो नहीं देखेंगे भाई, शिये मर रहे हैं अच्छा मर जाए, ये तो होते काफिर है खटवल। खटवल क्या है आपकी वादा के बाजारों में घुसे थे क्या, वो उल्टे सीधे फजूल बातें तुम लोग करते हो, वो कोई शिया कोई सुन्नी कुछ भी नहीं होता, हम सब भाई हैं आपस में, या मुल्क के दूसरे शहरों में नहीं रहते क्या, दूसरे गांव में नहीं रहते क्या शिया सुन्नी साथ में, ये बिला वजह का एक फसाद मचा के रखा हो, पूछो तो सही, वहाँ सुन्नी भी मर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हमारा जान हमारा खून है, तो वो दोनों के दोनों हम ही हैं, हम ही मर रहे हैं यार, क्या मसला है? आप पहले अब तो फलस्तीन तो आजाद कराओ, कि बाद में इस फलस्तीन की तरफ देखना, जो तुम्हारे हाथ की तो तुम्हारे दस्तरस के अंदर उस पर तुम्हारी आवाज़ नहीं उठ रही है, और वो जितनी दूर टांगे चीर रहे हो चट्टी फट जाएगी, इतनी दूर टांगे नहीं खींचना, कश्मीर आज तक आपसे आज़ाद नहीं हुआ, तो एक घंटे का भी काम नहीं है। भेजो यहाँ से ये जो क्या नाम है वो टीएसपी वाले थे ना, कहते 15,000 का लश्कर हमारा तैयार है, इन्हीं को भेज कर भी आप देख लेंगे 15,000 भी भेज दोगे तो पूरा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन नहीं आवाम कह रही है नहीं फलस्तीन फलस्तीन, अब पहले अपने फलस्तीन तो देख लो, दो फलस्तीन यहाँ पर पड़ेंगे, हमारे पास अपने फलस्तीन है भाई, तुम्हारे पास है क्या, हमारे पास दो है फलस्तीन। अजीब किस्म की बॉम है, सुन एकदम भाई हमारे दिशा बिल्कुल एकदम चौपट है, कोई भी आप देखो, एक मैं बात बताऊँ, मैं आपको आगे और भी बात बताता हूँ, कहीं काकड़ साहब गए थे कल लम्स में ठीक है, ये ब्रेवरी नहीं है कि आप उससे जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको तमीज नहीं है बेसिकली, तालीम हासिल करने के बाद आपको तमीज ही नहीं है कि आपका फेवरेट है या नहीं है, आपको किस लहजे में किस टोन में बात करनी है। अब जो मौजूदा वजीर आजम है निगरान वजीर आजम है, पुलिस आपका आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उससे इस तरीके से बात कर रहे हो कि पूरी दुनिया देख रही है कि आप आए आपने हमारा टाइम जाया कर दिया हो। अबे साधो तुम लोग जब नाच रहे होते हो है, डांस पार्टी तुम्हारी चल रही होती है, तब तुम लोगों को वो पढ़ाई याद नहीं होती कि हमारे टीचर इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे 50 मिनट बाद लेट आए, आप इमरान खान भी तो लेट आया था, तो तब तुम लोगों को क्यों नहीं आग लगी थी मनुष्यो, ये सियासत खेलना बंद कर दो, तुम लोग अभी छोटे छोटे चिरकुंडे हो आई समझ, ये जरा कोई भी मुल्क का सदर है वजीर आजम है आर्मी चीफ है किसी को कोई हक नहीं पहुंचा इस तरीके से बदतमीजी से किसी से बात करें। और मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही है, वो काकड़ को सुना दिया बच्चों ने जो है ये कर दिया वो कर दिया और काकड़ को कुत्ते वाली कर दी, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने के तुम लोगों के, ये सीमा के केस का नहीं है ऐसा, लेकिन मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि आप लोग सुनो तो सही, मैं और किन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ, ये जरूरी है। सीमा 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 सीमा, अरे सीमा की ऐसी की तैसी कम बखत, मतलब अकल नहीं है हमारी कौम जो है ना, तालीम हासिल कर ली है सिर्फ किताबें चाटनी है, सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और भाई बहुत बड़े पढ़े लिखे बन गए, लेकिन क्या फायदा हुआ जहालत, आपको तमीज ही नहीं है कि आप निगरान वजीर आजम या वजीर आजम से आर्मी चीफ से या किसी भी पढ़े से आप किस तरीके से बात करना है, आपको आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं है, आप तो घर में भी ऐसी बात करते होंगे, आपके चाचा मामा दादा कुछ कर देते होंगे तो उनसे भी इसी तरीके से बदतमीजी से बात करते होंगे,
आपने हमारे 50 मिनट जाया कर दिया। भूतनी के तुम लोग तो एक एक महीने स्कूल भी नहीं आते हो, यूनिवर्सिटीज भी नहीं आते हो, टेटे मार रहे होते कैंटीन में बैठे, तुम लोग क्या क्या हरकतें हो रही होती है, लफ्ज की सारी वीडियो इंटरनेट के ऊपर पड़ी है। और जब आ जाते वजीर आजम जो भी है तो उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि जैसे वो आपके बाप का नौकर है। ऐसी मैंने कायनात की बेगैरत फॉर्म हमारे मुल्क की है ना पाकिस्तान की, इतनी बेगैरत फॉर्म है कि पता नहीं चलता। तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, मुझे नहीं पसंद है कोई भी सियासतदान, सबको पता है मैं हमेशा कह रहा हूँ कोई सियासत से दिलचस्पी नहीं है, किसी सियासतदान से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तमीज़ तहजीब जो है ना वो उसका दामन नहीं छोड़े। क्या जरूरत है भाई, आप 50 मिनट लेट आए हैं, आपने हमारा टाइम जाया किया, मैं आपको रिसर्च कर रही हूँ, दुनिया पूरा पाकिस्तान डूब रहे, आपको लफ्ज में उल्टे वाके वो करने की क्या जरूरत थी। अबे जाए दो, और भी जो सियासतदान आए वो भी जाते हैं, तुम्हारी दफा मेरे ख्याल कोई पहली दफा आया होगा, तुम लोगों को इतनी मिर्चें लगी होंगी, तुम लोगों के पीछे कुछ चल रहा होगा, वो टिका चिका करना होगा तुम लोगों को, जब भी तुम लोगों को इतनी मिर्चें लग रही हैं। और मैं तमाम देखने वाले यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट जिन मुझे पता है मुझे कौन कौन देख रहा होता है, तो आप लोगों को नहीं पता वो ट्रिक, मुझे पता है मुझे कौन कौन देख रहा है। लोगों को एजुकेट करें कि ये जो चीज़ है ना जो हम लोग ये एक बदमाशी हमने पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में हमने अपने मुल्क का मजाक बना के रखा है ना, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, इस तरीके से बदतमीजियां कर रहे हैं जो कहीं नहीं होता वो हम लोग कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि देखो फलाने सियासतदान की वजह से या आदमी की वजह से हमारा मजाक उड़ा है। इन सब के जिम्मेदार जो है ना वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को एजुकेट नहीं किया, ऐसी ऐसी वीडियोज उठा उठा के वायरल कर रहे होते जिसका कोई दुख ही नहीं पड़ता। तारिक जमी साहब के साथदादे ने खुदकुशी कर ली और लोग कह रहे कि जन्नत में अला मकाम अता फरमाया था उनको, खुदकुशी करने में खुदकुशी हराम है, तो एक आलिम का बेटा अगर खुदकुशी करेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, क्या बात कर रहे हैं यार आप लोग। हम लोग बहुत खुदा की कसम कोई दोगली कौम है, बहुत बड़ी दोगली कौम है, ऐसा झूठ। वो नहीं, इतने बड़े आलिम का बेटा है, तो आलिम का बेटा खुदकुशी कर लेगा तो जन्नत में चला जाएगा क्या? नहीं, वो मेंटली उसका वो था, यूं था, यूं था, तो भाई खुदकुशी तो खुदकुशी है। अगर वो मेंटली कुछ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसके घर वालों ने उसके साथ ऐसा रवैया रखा है, तो तारिक जमील साहब से पूछो ना जाके, भाई आपने ऐसा क्या किया कि आपका बेटा इस कंडीशन में पहुंचा, दुनिया पूरा खाना आपका बाहर घूम रहा है कनाडा के अंदर और आप यहां पर हो क्यों बबल, मतलब दोगों के, ये तो अजीब सी बात है ना, घूमने फिरने के लिए आप अमेरिका जा रहे हैं, तबलीग के लिए दुनिया भर घूम रहे हैं, बेटा आपका वहां पर गाँव में जाके बैठ जाता है। आपने इतना निगलेक्ट किया उसको कि वो इस हालत में पहुंचा, कोई ऐसी वजह हुई जो आपको शेयर करनी चाहिए थी कि ताकि पब्लिक आज आप पे सवाल नहीं उठाती। तारिक जमील नो डाउट बेहतरीन जो है वो स्कॉलर है, कोई उसमें शक नहीं है, सभी मकतब फिक्र के लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है ना कि बेसिक समझाने के लिए बात करने का ये कि वो जो गलती है वो किसकी है, अपनी तरफ से कोई चपलियाँ जो हम लोग मारे जा रहे हैं, खुदकुशी कर ली बेगम जो थी वो तक कर रही थी, वो तो था सारा मामला, रिवॉल्वर चली, वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, कजन वहाँ पर बैठा हुआ था, 5 मिनट पहले आया था और जिमिंग भी कर रहे थे, 5 मिनट पहले आया था जिमिंग कर रहे थे, उसे गन भी रखी, गन करके साफ कर रहा था, कोई कह रहा था नौकर के नौकर था वहाँ पर, नौकर ने वो किया, अचानक से गन चल गई, पता नहीं। अजीब किस्म की कॉन्ट्रोवर्सियल कहानी है भाई, सीधी सीधी सी, बहुत सारे टॉपिक्स इस एक वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हर बंदे की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब का वो चल रहा है, क्या कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब का, इधर से आफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं अल्ताफ को सपोर्ट करता हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें बहुत सारी बातें जो है ना वो खोल के रखी है, हम लोग कह रहे थे बोरी बंद लाशें, बोरी बंद लाशें, वो सारा खोल के रख दिया बंदे, कह रहे इतने इतने लोग थे, ठीक है ना, अगर बोरी बंद लाशें अल्ताफ हुसैन का काम था तो इन लोगों ने जिन्होंने सबसे पहला गद्दारी की इनकी बोरी क्यों नहीं बंदी, बहुत बड़ी बात की है भाई, ठीक है ना, वो बंदा लॉजिकल बात करता है। मैं उसके फिर बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के अगर मैं नहीं हूँ, कल पता चला आप लोग मुझे कहेंगे आ गया फलाने के फलाने के, मैं किसी पार्टी को लाइक नहीं करता, सीधी बात है, लेकिन हाँ कह यार बहुत जो नजर आ रहे वो है। अल्ताफ हुसैन वहाँ लंदन में घर में बैठे हैं, उनका घर देख लीजिए, कितना कोई इतना अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की होती या इतना पैसा खाया हुआ होता पब्लिक का, ठीक है, ये बोरी बंद लाशें वगैरह होती तो उस घर में रहते, उनकी गाड़ी आप देख लीजिए, गाड़ी की ऐसी है जैसे ये नवाज तशरीफ की और वो क्या नाम है बाकी लोगों की, गाड़ियां देख के बंदे की रड़ टपक जाए, मुंह इतना खुल जाए कि जमीन तक लटक जाए, वो गाड़ियां नहीं उनके पास, वो घर ही नहीं उनके पास, इस टाइप का होना चाहिए था। अगर यहां से करोड़ों अरबों रुपए भत्ता जा रहा था अल्ताफ हुसैन को तो वो कहां है, नजर तो नहीं आया भाई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने लोगों ने अपने आप को ऊपर चढ़ाने में अगले के जो भाट लगाई है, तो मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब के वो फ्री है, मतलब उनको भी खुला एक रास्ता दिया जाए ताकि वो सियासत करें यहाँ पर आके, फिर कराची में आके खिताब करें या वहीं से बैठ के ऑनलाइन खिताब करने की इजाज़त दी जाए ताकि पता चले कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों के सवाल आते हैं, तो वो किए जाए हमसे, वो पूछे जाए, जैसा कि 2.5 घंटे का 2 घंटे का इंटरव्यू दिया। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे
जहर दे दिया जाएगा, मतलब पॉइजन दिया जा रहा है, जज उस पर हंसता है, एक फ्रेंड है लियारा जिनका, वो जिम्मेदार है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो वो जिम्मेदार होगा। अजीब किस्म की बातें चल रही हैं, एक बंदा कह रहा है कि मैं मर रहा हूँ या मुझे मार दिया जाएगा, उसको ये पहली दफा मैंने सुना है कि ये खौफ है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे जहर दे रहे हैं, वो तो कोई वो नहीं है भाई, आप सिक्योरिटी चेक कराओ ना कि भाई ऐसी एक बंदा ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कुछ है ऐसा ना, मैं इमरान साहब के हक में हूँ, ना मैं अल्ताफ हुसैन के हक में हूँ, ना मैं किसी मुस्तफ़ा कमाल के हक में हूँ, किसी सियासी और मजहबी पार्टी के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कायनात का वो वाहिद बदनसीब मुल्क है कि जहाँ पर जो है वो लोग लूट के घसूट के खाते हैं, कत्ल गारत करते हैं, यहीं पर खुद ही मरवाते हैं, खुद ही मारते हैं, और उसके बाद हाय हाय कर रहे होते हैं। आए दिन स्टोरीज आ रही है, शौर मारा था लड़की ने पुल से छलांग लगा दी पानी के अंदर नहर में, कोई वो जो वहाँ पर गाड़ी के नीचे आके मर गई, वो एक डिलीवरी बॉय का केस हुआ था, वो आ जाता है, वो उसको मार के फेंक दिया जाता है कचरे में, से उसकी लाश मिलती है। एक वो यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, अजीब किस्म की कहानियाँ चल रही हैं। मतलब पाकिस्तान को आप लोगों ने क्या बना के रखा हुआ यार, पुलिस की दहशतगर्दी अलग चल रही है, बत्तों पर जो क्या कहते हैं जो ये मनशियात के अड्डे होते हैं खुलेआम चल रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल की, आप देख लें कि हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल उसका ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग बंद कर दी जाए, लेकिन वो आज भी जो लोकल पेट्रोल जो एक वो PSO या शेल का पेट्रोल होता है ना, उस नाम से वो बेचे जा रहे हैं, उनके अंदर कलर डाल दिए कि ये हरे कलर का दिख रहा है आपको। आप पंप पे चले जाइए वो भी 350-350 जो भी रेट चल रहे हैं वो, और यहाँ आ जाइए ये भी। तो मकसद आप देख लीजिए कि अगर पंप पे पेट्रोल दस्तियाब है तो ये जगह जगह पे ढीले लगा के क्यों बैठे हैं, पुलिस वाले खुद वहां से जाके पेट्रोल भर रहे होते हैं, तो ये नाजायज नहीं है, बंद नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते कि भाई ये गैर कानूनी है। गली मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ले का बंदा घूम रहा हो या आम शहरी घूम रहा हो तो उसको चेकिंग करके उसकी जेब खाली करना जो है वो फर्ज है। मेरे मुल्क के अंदर वो क्या रहे, अगर ऐसा मादर पितर आजाद हुआ हुआ है कि जो शरीफ आदमी वो जलील हो रहा है, वाकई में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था कि आखिर के दौर में शरीफ आदमी को गालियां पड़ेंगी, और जो सबसे ज्यादा तेज चालाक अय्यार मक्कार और नीच और जलील इंसान होगा तो उसको इज्जत के नाम से बुलाया जाएगा। और आप देख लीजिए कि आपने कैसे जलीलों को सरकताज बना के बैठाया हुआ है। उम्मीद है कि समझ तो आ गई होगी, हटी भी होगी थोड़ी सी। मेरी वीडियो बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया, शुरू में मैंने आपको बताया क्योंकि कई केसेस पे मैं मेरे नहीं दिल चाह रहा था एक ही मतलब इतनी सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में करने का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। फलस्तीन को बाद में आज़ाद कराइएगा, पहले पारा चनार की तरफ देख लीजिए, ये आपके ही दिल का टुकड़ा है, ठीक है ना। अगर पारा चनार के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है फलस्तीन के बारे में कोई दुआ करने की। मुझे पता है मेरी वीडियो से बहुत हड्डी होगी आज आप लोगों की, कई लोगों की बहुत हड्डी होगी, लेकिन मैं बात करता हूँ हक की, चाहे हट जाए सब, ठीक है ना। फिर भी जिस जिसको पसंद आई है, देखते कितने लोगों को पसंद आई है, कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितने कमेंट करते हैं, ठीक है। लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया, और पसंद आई है तो इतना शेयर करें इसको, कितना शेयर करें, क्योंकि जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, ठीक है। वॉचिंग वो सब लोग अल्लाह हाफ़िज़।